dear viewers you are warmly welcome in this lecture kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from biology guardian thank you ar-Rahim. आपको याद होगा अमंग फंजाय में आपको बेसिडियो माइकोटा के बारे में कुछ बताया था मशरूम बेसिकली बेसिडियो माइकोटा से बिलोंग करता है माइकोटा ये फंजाई की तीसरी डिवीजन है बेसिडियो माइकोटा और बेसिडियो माइकोटा के मेंबर्स एस्कोमाइकोटा से काफी हद तक रिजेंबल करते हैं आपको इसके मैंने फीचर्स में बताया था बेसिडियो माइकोट्स के फीचर्स में कि इनका माइसिलियम सेप्टेट होगा माइसीलियम सेप्टेट और सेप्टेट माइसीलियम अभी आप देखेंगे कि ये दो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा जब इस माइसीलियम में मोनोकेरियोटिक हाइफी प्रेजेंट होंगे तो उस वक्त आप इसे प्राइमरी माइसिलियम कहेंगे प्राइमरी माइसिलियम विच कंसिस्ट ऑफ मोनोकेरियोटिक हाइफी यानी सिंगल न्यूक्लियस परमोश्टमिल हाइफी जब इस माइसिलियम में एग्जिस्ट करेंगे तब इसे प्राइमरी माइसिलियम कहा जाएगा और जब इसमें डायकेरियोटिक हाइफी एग्जिस्ट करेंगे तब इसे सेकेंडरी माइसिलियम कहा जाएगा तो इसकी लाइफ साइकिल में मशरूम एक बेसिडियो माइकोटा का मेंबर है इसकी लाइफ साइकिल में भी आपको ये दोनों माइसीलिया नजर आएंगे मोनोकेरियोटिक हाइफी पर मुश्तमिल प्राइमरी माइसिलियम और डायकेरियोटिक हाइफी पर मुश्तमिल सेकेंडरी माइसीलियम इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं

उसे कहते हैं बेसिडियम सिंगुलर वर्ड है बेसीडियम बेसिडियम और इसका प्लुरल होगा बेसीडिया और आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बेसीडिया की शेप की वजह से बेसिडियो माइकोटा को क्लब फंजाई भी कहा जाता है क्योंकि बेसीडिया की शेप क्लब शेप होती है क्लब का मतलब होता है थिक रॉड शेप सो so, ये क्लब फंजाए अपने बेसिडिया की शेप की वजह से कहलाते हैं अभी आपको ये डायग्राम के अंदर भी शो करते हैं और तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि इन फंजाए के अंदर बेसिया बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे होकर एक फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करते हैं तो वो जो फ्रूटिंग बॉडी इनके अंदर डेवलप होगी फ्रूटिंग बॉडी दैट फ्रूटिंग बॉडी इज़ नोन एज बेसिडियोकार्प बेसिडियोकार्प हाँ जी तो ये कुछ आपको फंडामेंटल करेक्ट्रिस्टिक्स बेसिडी बेसीडियो माइकोटा की बताई थी मशरूम जिसकी लाइफ साइकिल इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं मशरूम बेसिकली बिलोंग्स टू बेसिडियो माइकोटा तो आइए देखते हैं कि मशरूम की लाइफ साइकिल किस तरह से प्रोसीड होती है मशरूम की लाइफ साइकिल का आगाज होगा बेसीडियो स्पोर्स की जर्मिनेशन से आप इस वक्त आप देख रहे हैं यहां से आप इसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे बेसिडियम सिंगुलर वर्ड है और बेसिडिया प्लूरल है बेसिडिया इस तरह के ये थिक रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनकी टिप के ऊपर आप देख रहे हैं फोर हैप्लॉइड सेक्शुअल स्पोर्स प्रोड्यूस हुए हैं बाई मीन्स ऑफ मियोसिस दीज स्पोर्स आर कॉल्ड बेसीडियो स्पोर्स तो बेसिडियो स्पोर्स जो कि मियोटिक प्रोडक्ट्स हैं इस वजह से कि जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और ये बेसिडियो स्पोर्स जब यहां से डिटैच हो जाएंगे और जिस जगह पर जाकर ये गिरेंगे तो वहां पर अगर इनको सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो तब इन बेसिडियो स्पोर्स में जर्मिनेशन होगी यानी अनफेवरेबल पीरियड ऑफ टाइम को पास करने की सलाहियत रखते हैं ये बेसिडियो स्पोर्स सो जब इन बेसिडियो स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशंस मैसर आती हैं तो उन फेवरेबल को हासिल करने पर हर एक बेसरियो स्पोर जर्मिनेट करता है आप देख रहे हैं कि ये दो मुख्तलफ़ स्पोर्स उनकी जर्मिनेशन यहाँ पर दिखाई है तो इस जर्मिनेशन स्पोर के नतीजे में इन स्पोर से मोनोकैरियोटिक हाइफी पर मुश्तमिल माइसिलिया ओरिजिनेट होंगे एंड सच माइसिलिया आर कॉल्ड प्राइमरी माइसीलिया तो ये दरअसल प्राइमरी माइसीलिया यहाँ पर बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं आपको अभी बताया था कि बैसीडियो माइकोटा में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप के माइसिलिया पाए जाते हैं माइसीलिया माइसीलियम का प्लूरल है तो इस वक्त ये दो प्राइमरी माइसिलिया आपको दो अलग अलग बैसीडियो स्पोर्स से ओरिजिनेट होते हुए नज़र आ रहे हैं प्राइमरी माइसीलिया उन माइसिलिया को कहते हैं जिनमें मोनो हाइफी प्रेजेंट हों तो यहां पर मोनोकेरटिक हाइफी मौजूद हैं मोनो हाइफी पर मुशतमल माइसीलियम दरअसल प्राइमरी माइसीलियम कहलाता है तो ये मोनोकैरियोटिक हाइफी पर मुश्तम प्राइमरी माइसीलिया ग्रो करते जाएंगे इन हाइफी से फर्दर ब्रांचेज ओरिजिनेट होती रहती हैं और अल्टीमेटली किसी स्टेज पर ये दो प्राइमरी माइसीलिया के कोई हाइफी आपस में फ्यूज कर जाएंगे आपको याद होगा कि फंजाई की सेक्शुअल प्रोडक्शन के लिए ये जरूरी होता है कि दो जेनेटिकली डिफरेंट बट कंपैटिबल टाइप्स मीटिंग परफॉर्म करती हैं फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन हमेशा दो जेनेटिकली डिफरेंट बट कंपेटेबल टाइप्स के दरमियान होता है उनमें से एक को हम पॉजिटिव स्ट्रेन का नाम देते होते हैं सपोज कर लें कि ये पॉजिटिव स्ट्रेन है और ये नेगेटिव स्ट्रेन है ठीक है यहाँ पर कोई क्लियर कट मेल फीमेल सेक्सेस का डिफरेंस नहीं होता बस हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को या किसी एक माइसीलियम को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं तो ये दो बेसिस्पोर्ट्स जो जेनेटिकली डिफरेंट थे लेकिन कंपेटेबल हैं क्योंकि एक ही स्पीशीज़ इनका ताल्लुक है तो इनमें से एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव कंसिडर किया जा रहा है और इनसे निकलने वाले ये प्राइमरी माइसीलिया जो मोनोकैरियोटिक हाइफी पर मुश्तमिल है आप देख रहे हैं कि ये एक स्टेज पर आकर इनके दरमियान यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई है लेकिन फर्टिलाइजेशन का जो पहला स्टेप होता है दिस इज़ कॉल्ड प्लाजमोगी वो तो यहाँ पर होगा लेकिन कैरियोगेमी परफॉर्म नहीं होगी यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होनी है प्लाज्मी का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन तो ओनली अकर्स एट दिस स्टेज कैरियोगेमी यहां पर डिले हो जाएगी तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अनलाइक अनलाइकोमाइकोटा प्लाज्मोगी और कैरियोगेमी के दरमियान एक डिले आ रहा है तो ये यह जैसे ही परफॉर्म होती है तो उसके नतीजे में डायकेरियोटिक हाई फी पर मुशतमिल माइसीलियम डेवलप होता है यहाँ से मैं अगर इस सेल को एनलार्ज करके दिखाऊँ आपको तो ये सेल कुछ इस तरह से ये सेल दिखाई दे रहा है आपको ये इस वक्त एक डाई सेल है दिस इज अ डाई सेल और इसके अंदर दो जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक् प्रेजेंट हैं टू जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लिया आर देयर मिसाल के तौर पर यह एक न्यूक्लियस जो कि ये सपोज करें कि इस स्पोर का था और इसी तरह से ये दूसरा न्यूक्लियस ये सपोज कीजिए ये दूसरे स्पोर्स का न्यूक्लियस था यानी दूसरे माइसीलियम से बिलोंग करता था तो ये दो जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लिया यहाँ पर इकट्ठे हो गए याद रखें कि ये दोनों न्यूक्लिया हैप्लॉइड हैं यानी इनका क्रोमोजोम नंबर एन है ये भी एन है और ये भी एन है तो ये सेल दरअसल एन प्लस एन कहलाएगा ये सेल डिप्लॉयड नहीं कहलाएगा ये सेल होगा तो हैप्लॉयड लेकिन इसे आप लिखेंगे एन प्लस एन समाइम हैप्लायड सिर्फ एन लिखा जाता है और समटाइम हैप्लॉयड को हम एन प्लस एन कहते हैं दरअसल इसको डिप्लॉइड इस वजह से नहीं कहा जा रहा कि अगर न्यूक्लियस के अंदर दो सेट्स क्रोमोजोम्स के प्रेजेंट हों तो तब उसे डिप्लॉयड कहा जाता है तो यहां पर चूंकि किसी एक न्यूक्लियस की अगर बात की जाए तो उसमें चूंकि दो सेट्स नहीं है क्रोमोजोम्स के सिंगल सेट है इस वजह से ये न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है तो ये एक हैप्लॉइड सेल है या यूं कह लें कि ये डबल हैप्लॉइड सेल इसको कहा जा सकता है बट इसको डिप्लॉइड हम नहीं कहेंगे सो तो ये एन प्लस एन पर मुश्तमिल सेल जो कि एक डाई सेल है ठीक है दिस इज डाय हैप्लोइड आप इसको डाई कैरियोटिक्प्लॉयड भी कह सकते हैं तो ये डाई हेप्लॉड सेल यहाँ पे वजूद में आया और इसकी फर्दर डिवीजन के तहत इसी तरह के मजीद सेल्स बनते चले जा रहे हैं और पूरा एक डाई कैरियोटिक माइसीलियम वजूद में आ रहा है तो ये जो डाई कैरियोटिक माइसीलियम है ये दरअसल सेकेंडरी माइसीलियम है सेकेंडरी माइसीलियम जो कि प्लाज्मोगी के बाद डिवलप होता है तो ये सकेंड्री माइसीलियम इसी तरह से आगे ग्रो करता चला जाएगा और हती कि इससे एक पूरा मशरूम डवेलप होना शुरू हो जाएगा आप ये याद रखिए कि इन बेसिडियो स्पोर्स की जर्मिनेशन सॉइल के अंदर हुई थी और फिर ये इन द सॉयल ये दोनों प्राइमरी माइसिलिया ग्रो करते हुए अंडर द ग्राउंड इनकी किसी जगह पर प्लाजमोगेमी टेक प्लेस होती है और उसके बाद फिर फर्दर इनकी डिवीज़न अंडर द सॉइल होती रहती है और आप देख रहे हैं कि ये सॉयल के अंदर ग्रो करते हुए अपने हाइफी के नंबर को बढ़ाते जाते हैं पूरा एक नेटवर्क इनका तैयार होता रहता है और तक के इनके ये जो डायरियोटिक हाइफी हैं ये ग्रो करते करते ग्राउंड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो अब आप देखें कि ये जब ग्राउंड से बाहर सर निकालते हैं जब ये ग्राउंड से बाहर ग्रो करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इस तरह से एक स्वेलन स्ट्रक्चर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर वजूद में आता है सॉइल के ऊपर हालांकि सॉइल के नीचे इनका पूरा डाइकैरियोटिक माइसीलियम प्रेजेंट होता है तो ये जो स्टेज होती है जब इनका एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर सॉइल से बाहर प्रोजेक्ट होगा इस स्टेज को कहा जाएगा बटन स्टेज तो ये बटन स्टेज पर इस तरह से सॉइल से बाहर प्रोजेक्ट होते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता इनका ये जो अब द सोइल पार्ट है ये ग्रो करता चला जाता है ज्यादा रफ्तार से और इसके मुकाबले में जो अंडर द ग्राउंड पार्ट है वो भी ग्रो कर रहा होता है लेकिन उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होती तो अब आप देखिए कि सॉइल से ऊपर वाला पार्ट जिसे पहले बटन कहा गया है तो ये बटन ग्रेजुअली इलोंगेट करता जाएगा और इसकी इलोंगेशन से आप देखेंगे कि एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होगा जो कि इसका स्टॉक बन जाता है और उसके ऊपर एक अम्ब्रेला लाइक कैप डेवलप होना शुरू हो जाती है दिस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टॉक या इसको स्टाइप भी कहा जाता है दिस इज ऑल्सो नॉन एज स्टाइप और इस स्टाइप के बिल्कुल टिप के ऊपर एक अम्बरेला लाइक कैप आपको नजर आ रही है दिस अम्बरेला लाइक कैप इज कॉल्ड पाइलियस इस कैप को पाइलियस भी कहा जाता है दिस इज ऑल्सो नॉन एज पाइलियस और जबकि इस पाइलियस के नीचे आपको स्टाइप के गर्द एक कॉलर नजर आ रहा है इसके गिर्द एक झालर सी लटकती हुई नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड एन्यूलस सो so ये आपने पार्ट्स याद रखने ये मशरूम बॉडी के तीन बुनियादी पार्ट्स होते हैं तो मशरूम बॉडी के तीन पार्ट्स के नाम अगर आपसे पूछे जाते हैं उसमें आपने स्टाइप एन्यूलस और पाइलियस इनको पॉइंट आउट करना है अच्छा पाइलियस की जो लोअर सरफेस होती है यहाँ पर आपको इस तरह से रेडिएशंस बनी हुई दिखाई दे रही हैं दरअसल ये रेडिएशंस गिल्स कहलाते हैं ठीक है ये इस तरह से रेडियल रोज़ हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की जिन्हें गिल्स कहा जाता है और दरअसल ये गिल्स किस चीज़ के होते हैं दरअसल ये गिल्स इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमल होते हैं यानी बहुत सारे बेसीडिया बेसीडिया भी मैंने आपको बताया था कि इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कहा जाता है तो बहुत सारे बेसीडिया इस तरह से एक लीनियर रो में मौजूद होंगे आप देख रहे हैं कि ये एक पोर्शन गिल का यहाँ से कट करके दिखाया गया है और इस पोर्शन ऑफ गिल सरफेस के ऊपर यूं नंबर ऑफ़ बेसिडिया प्रेजेंट हैं तो यूं समझ लें कि ये जो गिल्स हैं ये दरअसल बेसीडिया पर मुशतमिल है बहुत सारे बेसिडिया मिलकर इस गिल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो इस तरह से ये बेसिडिया इन गिल्स की मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होंगे और इन बेसिडिया के ऊपर अभी आप देखेंगे कि स्पोर डिवेलप होने यहाँ पर एक और बात याद रखिए कि इस मशरूम बॉडी में ये जो ऊपर वाली कैप है जैसे पाइलियस कहा गया है दरअसल यही इसकी फ्रूटिंग बॉडी भी है क्योंकि इसी के अंदर इसके ये तमाम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और यही वो चीज़ है जिसको हम खाते भी हैं क्योंकि बहुत सारे मशरूम्स एडिबल हैं अगरचे तमाम मशरूम्स एडिबल नहीं हैं खाने के काबिल नहीं हैं कुछ मशरूम्स पॉइजनस भी होते हैं लेकिन बहरहाल मशरूम्स जो खाए जाते हैं उनका यही पोर्शन मेनली खाया जाता है तो इस वजह से इस पोर्शन को मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है और इस फ्रूटिंग बॉडी के लिए एक और टर्न भी यूज की जाती है द मशरूम्स फ्रूटिंग बॉडी इज ऑल्सो नोन एज बेसिडियोकार्प तो ये दरअसल इसका बेसिडियोकार्प ठीक है जी तो इस तरह से ये बेसिडियो कार्प के अंदर उसकी लोअर सरफेस पर जो गिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन गिल्स के मार्जिन के ऊपर इस तरह के ये थिक रॉड शेप स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं विच आर कॉल्ड बेसिडिया दरअसल बेसीडियम एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है और इस सेल के अंदर भी ये दो जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लिया स्टिल प्रेजेंट है यानी आपने देखा था कि इस स्टेज पर जो फर्टिलाइजेशन का मरहला शुरू हुआ था अगरचे वो कंप्लीट नहीं हुआ था उस फर्टिलाइजेशन में सिर्फ अभी प्लाज्मोगैमी का इवेंट परफॉर्म हुआ था और उसके बाद कैरियोगी डिले हो गई थी तो अब वो कैरियोगी इस स्टेज पर जाकर होगी तो यहां पर आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो हेडिंग दी जा रही है दिस इज़ एक्चुअली द कैरियोगी तो कैरियोगी जो इतनी देर से परफॉर्म नहीं हुई थी वो कैरियोगी इस स्टेज पर आकर परफॉर्म होगी और इस स्टेज पर कैरियोगी के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस वजूद में आएगा दिस डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज एक्चुअली द जैगोट ये जाइगोट के तौर पर बिहेव करता है तो अब ये जो जाइगोटिक न्यूक्लियस है ये जाइगोटिक न्यूक्लियस मियोसिस के जरिए डिवाइड करता है तो मियोसिस के जरिए डिवाइड करने पर इस जयगॉटिक न्यूक्लियस से आगे आपके सामने देख रहे हैं कि चार स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं चार स्पोर्स डिवेल्प हुए हैं और इनके ऊपर थिक वॉल्स डेवलप हो जाएंगी दीज फोर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड बेसिडियो स्पोर्स सो इस तरह से ये बेसिडियो स्पोर्स इन गिल्स की टिप के ऊपर डेवलप होते हैं और उसके बाद जब ये बेसिडियो स्पोर्स यहाँ से शेड हो जाएंगे और जब ये किसी सूटेबल प्लेस के ऊपर गिरेंगे तो इन बेसिडियो स्पोर्स की जर्मिनेशन से अगेन प्राइमरी माइसीलिया वजूद में आएंगे और दो प्राइमरी माइसीलिया की फ्यूजन से फिर दोबारा सेकेंडरी माइसीलिया और फिर ये पूरा मशरूम डेवलप होगा और फिर इसके अंदर ये इस तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन परफॉर्म होगी ये सिलसिला इस तरह से चलता रहता है तो यूं ये मशरूम की लाइफ साइकिल परफॉर्म होती है आप इस वक्त देख रहे हैं कि हमने मशरूम की लाइफ साइकिल को तीन फेजेस में डिवाइड किया है एक फेज़ इसका मोनोकेरटिक फेज़ है इसके अंदर आपने बेसिओसपोर्स का जिक्र करना है मोनोकेटिक फेज में और उनकी जर्मिनेशन का बताना है और उसकी जर्मिनेशन से बनने वाले जो प्राइमरी माइसिल आपको दिखाएं मोनोकैरियोटिक हाइफी पर मुश्तमिल करना है तो ये मोनोकेरटिक फेज़ है उसके बाद फिर इनका एक लेंदी डाई फ़ेज़ शुरू होता है यानी लाइफ साइकिल में सबसे ज़्यादा अरसे तक जो फ़ेज़ इनका परसिस्ट कर रहा है वो दरअसल ये डाई फ़ेज़ है तो इस डाई फेज़ में पूरा इनका माइसीलियम ग्रो करते हुए इस तरह से एक पूरी स्पेसिफिक शेप की बॉडी फॉर्म कर लेता है जिसमें अंडरग्राउंड माइसीलियम भी होगा यूँ एक स्टेम लाइक पार्ट भी होगा और इसके साथ साथ ये कैप लाइक -like पाइलियस भी प्रेजेंट होगा अच्छा और उसके बाद फिर तीसरा फेज़ आपको इनका डिप्लॉयड फेज़ नज़र आ रहा है डिप्लॉइड फेज़ ये आफ्टर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है और ये एक बहुत ही ब्रीफ फेज़ है यानी ज़्यादा अरसे तक ये डिप्लॉइड फेज़ में बरकरार नहीं रहते जैसे ही ये डिप्लॉइड जाइगोड फॉर्म होता है तो फ़ौर इसके अंदर मियोसिस हो जाती है और उसके बाद फिर दोबारा से ये मोनोकेरियोटिक फेज स्टार्ट हो जाएगा तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल मशरूम की कंप्लीट होती है Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.